रेल विभाग की ओर से स्थानीय छोटे कलाकार, हस्तकला और होममेड वस्तुएं एवं व्यंजन बनाने वाले लोगों के लिए रेलवे की ओर से किसान भाइयों के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत आप अपने वस्तुओं के स्टॉल रेलवे के प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हैं। क्या है ये योजना, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। आप रेल से कहीं घूमने जा रहे हो और आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पर हस्तकला होममेड व्यंजन या नागपुर की बात करें तो संतरे के स्टॉल मिले, तो आप कहोगे कि भाई ये तो सभी रेलवे स्टेशन के बाहर मिलता है, तो ये अंदर कैसा? दरअसल हम आपको बता दें कि जैसे देश के सभी विमानतल पर एक मॉल होता है, वैसे ही अब छोटे कलाकार और किसानों के लिए स्टॉल रेलवे स्टेशन पर ही होंगे और इसकी शुरुआत नागपुर के इतवारी स्टेशन से शुरू हुई है। केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा सभी रेलवे स्टेशनों पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट संकल्पना शुरू की गई है। इस संकल्पना को साकार होने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रयत्नशील है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रवीश कुमार सिंह से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि लोकल कलाकारों को बढ़ावा देने साथ ही उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए इसी उद्देश्य से ये पहल की शुरुआत की गई है। इस योजना में स्टॉल लगाने के लिए आपको ₹1,000 शुल्क देना होगा और ये 15 दिन के लिए मान्य होगा। की ओर से निर्देश मिले हैं कि और केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिया है, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात केंद्र सरकार की तरफ से की, उसी तर्ज पे भारतीय रेल में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का प्रस्ताव आया था, जिसके ऊपर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने काफ़ी अच्छी प्रगति की है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो छोटे कारीगर हैं, छोटे हस्तशिल्प के कारीगर हैं, कुछ लकड़ी का उद्योग करने वाले हैं, हमारे यहाँ बैम्बू बोर्ड से भी हम लोग संपर्क में हैं, इस तरह के जितने हस्तशिल्प बोर्ड हैं, हस्तकला बोर्ड हैं, इस तरह के बोर्ड जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मातहत काम कर रहे हैं, उन सभी के साथ संपर्क में हैं। इसके अलावा ट्रेड एसोसिएशंस के साथ भी हम लोग संपर्क में हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के कारीगर जिनको बाजार नहीं मिल पाता था, बाजार नहीं मिल पाता था, जिसके कारण उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में ठीक से पहुंच नहीं पाते थे, तो एक व्यवस्था की जा रही है जहां स्टेशनों पे, जहां लोगों का आवागमन लगातार रहता है, वहां पे स्टॉल्स के माध्यम से इस तरह की प्रोडक्ट्स को बेचने की तैयारी की जा रही है। इस योजना का लाभ लेना भी आसान है। आप अपने पास के कोई भी रेलवे स्टेशन पर जाकर इस योजना की जानकारी लेकर स्टॉल बुक कर सकते हैं। इसके लिए मतलब पिछले सप्ताह ही हमने सभी वाणिज्य निरीक्षकों के साथ एक मीटिंग की थी, जिस मीटिंग में हमने इस योजना से संबंधित सारे पहलुओं को एक जगह पर लाकर एक पन्ने का एक पैम्फलेट टाइप बनाया, जिसे हिंदी, अंग्रेजी और मराठी तीनों ही भाषाओं में बनाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ये वाणिज्य निरीक्षक जब ये लोकल आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं, ट्रेड एसोसिएशंस के पास जा रहे हैं और जो विभिन्न बोर्ड्स के पास जा रहे हैं, तो ये पैम्फलेट लेके जा रहे हैं जिसमें इस सुविधा के सारे नियम बताए गए हैं। और नियम बहुत ही सिंपल हैं, जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि इसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि मात्र ₹1,000 का शुल्क रजिस्ट्रेशन फीस है। कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, आपने जो भी कहीं खरीद बिक्री की है तो उसका एक रिकॉर्ड, बस इस तरह के छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं। बहुत लंबी प्रक्रिया बिल्कुल, लंबी और जटिल प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। प्रयास ये है कि कितनी आसानी से, सुगमता के साथ लोकल आर्टिस्ट को बाजार उपलब्ध कराया जाए, ये प्रयास है। और इसके लिए इन सारे प्रोसेसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई किया गया है। निश्चित रूप से ही रेलवे द्वारा शुरू किया गया ये उपक्रम काबिले तारीफ है। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।